क्या आप लोगों का भी चश्मे का नंबर 0.25, 0.5, 0.75 या एक नंबर के नीचे नीचे है? और आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आता होगा कि क्या हमें चश्मा लगाना ज़रूरी है, और ये चश्मा हमारे कितने दिन में उतर जाएगा, और क्या अगर हम लोगों ने चश्मा नहीं लगाया तो क्या हमारे आंखों का नंबर बढ़ तो नहीं जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कंप्लीट वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लो। मेरा नाम है यश राठौर और आप लोग देख रहे हैं किंग ऑप्टिकल। आई एम अ सर्टिफाइड डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन। तो बिना किसी टाइम वेस्ट पावरफुल वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए किंग फैमिली, लेट्स स्टार्ट। गाइस, सबसे पहला सवाल आप लोगों का लेता है जो कि है कि अगर हमारे चश्मे का नंबर बहुत ही ज़्यादा कम है तो क्या हमें चश्मा लगाना ज़रूरी है? तो मैं आपको लोगों को बता दूँ, हाँ गाइस, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपके चश्मे का नंबर एक नंबर से कम है, मतलब कि अगर आपके चश्मे का नंबर 0.25 है, 0.5 है, 0.75 है, तो आप लोगों को चश्मा लगाना कंपलसरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको आंखों में आंसू आते हैं, लाल आँख होती है, सर भारी होता है, इसमें से कुछ भी सिम्टम्स होते हैं या इनमें से कोई भी परेशानी होती है, तो आप लोगों को चश्मा लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। और वहीं पर अगर आपको 0.25, 0.5, 0.75 में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, सभी चीज़ें दूर की बढ़िया दिखती है, पास की बढ़िया दिखती है, तो आपको चश्मा लगाना ज़रूरी नहीं है। हाँ फ्रेंड, क्या यहाँ पर मैं नहीं बल्कि आई स्पेशलिस्ट या बड़े बड़े आँखों के डॉक्टर भी यही कहते हैं। हमारी तो चश्मे की दुकान है, हमारे पास हज़ारों कस्टमर्स आते हैं दिन भर में, तो हम उन्हें भी यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका एक नंबर से कम है तो ये आपकी चॉइस है कि आपको चश्मा लगाना है या नहीं। अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी आ रही जो मैंने आपको पीछे बताई, तो चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको दूर की या पास की चीज़ कम दिख रही है तो भी चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हमें कितने दिनों तक चश्मा कंटिन्यू लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर एक और आपको बता दूँ कि आपको करीबन 6 से 7 महीने चश्मे को कंटिन्यू लगाना होगा। कि आँखों का एक नंबर भी है तो आपको चश्मा लगाना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने नज़रअंदाजी करी तो एक नंबर पर क्या होता है कि आपको दूर की चीज़ें ब्लर ब्लर दिखती है, मतलब धुंधले दिखती है, और फिर भी अगर आप लोगों ने चश्मा नहीं लगाया तो हो सकता है कि आपको आगे जाके और प्रॉब्लम्स आए और ज़्यादा जल्दी नंबर बढ़े। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपका एक नंबर है या एक नंबर से ज़्यादा है तो आप बिल्कुल चश्मा लगाएं। चश्मा लगाने में बिल्कुल भी ना झिझकाएं, क्योंकि चश्मे में एक से एक वैरायटी, एक से एक डिज़ाइंस वगैरह आती है। आप लेटेस्ट ट्रेंडिंग फ्रेम्स बनवाइए ना, पुरानी फ्रेम क्यों बनवाएं। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब आप में से बहुत से लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो कि क्या ये जो कम नंबर है ये उतर सकता है? तो मैं आप लोगों को बता दूँ, बिल्कुल उतर सकता है। अगर आप लोगों ने 0.25 या इस तरीके के कम नंबर का चश्मा रेगुलर यूज़ करा, ये रेगुलर लगाया, तो हो भी सकता है कि बहुत से स्टूडेंट जब पढ़ाई करते वक्त चश्मे को लगाते हैं तो उनका कितनी बार 2 महीने में 4 महीने में 6 महीने में चश्मा उतर भी जाता है। तो आप लोगों के साथ भी ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। अगर आप लोगों ने कंटिन्यू चश्मा लगाया और आपके सर दुखने की परेशानी, आंखों में आंसू आने की परेशानी, इस तरह की कोई परेशानी सॉल्व हो गई, तो आपका चश्मा उतर भी सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपका एक नंबर के अंदर अंदर है तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका चश्मा उतर सकता है। वहीं पर अगर आपका एक नंबर से ज़्यादा है तो ये नहीं बोलूँगा कि उतर सकता है। यहाँ पर नंबर अगर आप कंटिन्यू लगाएंगे तो स्टेबल रहेगा, आपका नंबर जल्दी जल्दी नहीं बढ़ेगा। आप में से कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम लोगों ने ये 0.25 या इस तरीके के नंबर को नज़रअंदाज करा, मतलब कि अभी डॉक्टर से चेक तो करवा लिया, हमें नंबर भी निकला, पर हम लोगों ने नहीं लगाया, तो फ्यूचर में क्या कोई दिक्कत आने वाली है? तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आपको ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, पर अगर आप लोगों को दूर की चीज़ या पास की चीज़ देखने में परेशानी आती है, तो मैं यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट भी रिकमेंड करता है कि आपको चश्मा लगाना ज़रूरी है। और वहीं पर अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर वगैरह नहीं दुखता, आँखों में आई स्ट्रेन नहीं होता, आँखें दर्द नहीं होती, आँखों में आंसू वगैरह नहीं आती है, कुछ भी समस्या नहीं होती, तो आप कि ये चॉइस है कि आपको चश्मा लगाना है या नहीं। पर अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको चश्मा लगाना ज़रूरी है। तो ये सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब अब तक पहुँच चुके होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन दिख रहा होगा उसे दबा दीजिए, क्योंकि जब जब मैं इस तरह के अवेलेबल कंटेंट अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की वीडियो में, और चश्मों से संबंधित और वीडियोज़ देखने के लिए राइट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। और इन फ्यूचर हम एक से एक तगड़ी वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए रेड नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसे दबा के बाक्स में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करने रखते हैं केवल 100 लाइक्स। ओके, 100 लाइक्स आप बहुत ही जल्दी पूरे करवा देंगे, मुझे विश्वास है। फिर मिलते, जय हिंद जय भारत दोस्त।